सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और भाई यहाँ तो हालत ख़राब है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और आज हम लोग निकल रहे हैं मुंबई, मतलब मैं और मेरी फैमिली, मम्मी और सिस्टर है। तो भाई 4 बजे की ट्रेन है अपनी। भाई फैमिली साथ में तो लगेज काफ़ी ज़्यादा है, और CNG के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है कि अपना बॉडी स्पेस ख़त्म हो जाता है। देखते हैं कितना सामान आता है। तो भाई बोट स्पेस में CNG होने का ये डिसएडवांटेज है कि भाई वही बैग आ पाए अपने, कोई नहीं बाकी का सामान आगे रख लेंगे अपना सीट पे, पीछे दो ही लोग बैठ रहे हैं वैसे भी। और ये अपने भाई वसीम, ये भाई छोड़ने के लिए आए हमें स्टेशन तक। इतनी ठंड में माना नहीं, मैं तो सोच रहा था कैब से चला जाऊँगा भाई, लेकिन अगला माना नहीं, कह रहा नहीं भाई जब गाड़ी है अपनी घर की तो कैब से क्यों जाएगा। तो भाई हम तैयार हैं निकलने के लिए, सारी चीज़ें अपनी पैकिंग वैकिंग हो ही गई थी पहली, और सारा लगेज भी कार में रख लिया है, और मम्मी और सिस्टर जा रही हैं साथ में। और सबसे बढ़िया ये है ना कि भाई आज फॉग नहीं है, बिल्कुल क्लियर है आज, तो ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और भाई की गाड़ी बिल्कुल अभी नई है, तो इसलिए अभी सिस्टम वगैरह इसमें स्टीरियो वगैरह है नहीं, स्टॉक में जो कार आती है अपनी कंपनी से, अब लगवाएंगे भाई आफ्टर मार्केट सारी चीज़ों को। तू भी चल रहा यार, मैं तो कह रहा हूँ साथ में भाई यार, स्टोर वगैरह पे बैठना, नहीं तो चलता मैं भी जरूर यार, तेरे साथ तो अलग ही मजा आता है घूमने का। ये तो यार, जब भाई अपना बिजनेस डालो भाई, इसके लिए सीरियस तो देखो होना ही पड़ता है यार, सब चीज है ना वक्त के साथ साथ। फिर तू आ जा, चलते हैं फिर मसूरी। आने के बाद प्लान बनाते हैं, चलते कहीं। देख मसूरी हो गया हूं, मसूरी तो हम 3 बार जा चुके हैं, है ना। तो अब के नैनीताल या शिमला चलते हैं। नैनीताल में कुछ नहीं है, मैं मेरी मां शिमला चलते हैं, कार से चल लेंगे। चल लेते हैं, अब तो CNG वाली गाड़ी, CNG वाली गाड़ी अब क्या दिक्कत है, पेट्रोल का थोड़ी सोचना है अब तो भाई, यही है अपना, ये कहीं भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, और अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, थोड़ा पहले ही आ गए थे, तो चलते हैं हम अपना प्लेटफॉर्म पे, और पापा को और वसीम को बोल देते हैं घर जाने के लिए, क्या फ़ायदा है टाइम ख़राब करें अपना। टाइम से पहुंच गए हैं, एकदम सही टाइम पर पहुंच गए, 3 बजे। तो भाई भूख लग गई थी यार, चल मैं तो कुछ खाना लेने ट्रेन की, देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पर खाने के लिए। राइट लेगी